अब आज इस चैनल में अगर आप देखेंगे लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबका फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी आप लोगों ने एक्सटेंडेड लेवल तक मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया है। चैनल अगर आप देखेंगे तो मैं अपने आप को शेफ बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर आपको कोई भी कुकिंग वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो ये मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था, ऐसा चैनल खड़ा कर देना जिसमें कि कुकिंग आपको नहीं सिखाई जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लाइफ का मोटो ही यही था कि भाई मैं अपने खाने के द्वारा तो लोगों को हैप्पीनेस बांट रहा हूँ, पर कैसे ना कैसे करके मैं अपने नॉलेज को भी शेयर करूँ, क्योंकि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ में मैं जो भी कर रहा था पहले, करोना वरोना तो बाद में आया, मैं उससे पहले से ही 2019 से ही मैं कम्प्लीटली रेगुलर हो गया था अपनी वीडियोस में। अगर आप 2019 से ही देखोगे मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही है, लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे हो चुकी है। तो उस समय मोटिव ये था कि भाई मैं किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने लेके आऊँ, और वो मैंने करके दिखाया और मैं वो कर रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट भी उसमें है। पर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा कि भाई जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कितने ही आपसे ज़्यादा शेफ़ लोग ऐसे हैं जो कि करना चाहते हैं, पर वो करना इतना आसान नहीं होता है और हम लोग कहीं ना कहीं हार जाते हैं। और इस पूरे चैनल का मकसद यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। खाना बनाना हमारी कला है, हम लोग सिर्फ उस तक ही सीमित रह गए अगर हम देखेंगे, पर मैं इस चैनल के माध्यम से उस कला को और ऊँचाइयों पर लेके जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं अपने चैनल पे लोगों को डाल के लाके उनके बारे में बताता रहता हूँ, आपने के शेफ़ कंचन देखा होगा, और फ्यूचर में भी अभी कई सारे ऐसे शेफ़ आएंगे जो रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ एक कुकिंग को लेके या एक जॉब को लेके ही सीमित रह गए हैं, पर हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो इतना असीमित है कि लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए। और इंटरनेट इस समय पे एक ऐसा माध्यम है हम लोगों के लिए कि हम लोग वो कर सकते हैं, पर बशर्ते ये है कि हम लोग उसको रेगुलर करते जाएं, हम उसको बीच में ना छोड़ें। 1000 से ज़्यादा वीडियोस बनाने के बाद मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, और जो मैं करना चाहता था एक्चुअली में बहुत अच्छा चल रहा है। पर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सबको ही साथ में लेके चलना है, क्योंकि मैं जब मर जाऊं और जब मैं मुझे भगवान पर पूछे भैया तुमने क्या किया, तो मैं बोलूं मैं अपने लिए तो ये मैं कर रहा था, बाकी लोगों के लिए भी मैं ये करना चाहता था। क्योंकि अगर आप किसी भी चैनल को देख लेंगे, अगर किसी के 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं तो कोई भी आपको अपने चैनल पर ला के कभी प्रमोट नहीं करेगा। पर यहाँ पर मैं लोगों से अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई आप आओ, मुझसे कनेक्ट हो और मेरे चैनल के थ्रू अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाओ। तो जो भी शेफ लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उन सबको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप सबका थैंक यू। पर जो भी आपकी कला है प्लीज़ उसे अपने तक ना रख के लोगों तक पहुँचाइए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कीजिए ताकि मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाऊँ। अभी जैसे कि आपको पता है जो डिजिटल शेफ हब है उसका भी सेम यही मकसद था, एक बहुत ही छोटा वर्जन है वो, क्योंकि जो ये ऐप डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रामिंग होती है, हम लोगों को नहीं मालूम होती वो क्या सारी चीज़ें, अब क्या क्या फ्लॉज थे, धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आ रही है। और ये भी एक फील्ड है हमें अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने का। तो प्लीज़ जो भी शेफ़ हैं मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अभी एक शेफ़ हैं हमारे, उनका भी एक चैनल है, फिर एक दूसरे शेफ ज्वेल हैं जो कि मुझसे कनेक्ट हुए हैं, अभी उनकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे आएगी। देन हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कुछ इस तरीके की एक बिज़नेस इन्वायरमेंट क्रिएट यहाँ पे कर लें, ताकि जो शेफ़ लोग हैं वो अपनी कला को दूसरों तक सेल कर पाए। जी हाँ, जिस प्रकार से बाकी अगर आप फील्ड देखेंगे, टेक्निकल फील्ड देखेंगे, फाइनेंस फील्ड देखेंगे, IT फील्ड देखेंगे, हर कोई अपनी कला को सेल कर रहा है, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपनी कला को कहाँ सिर्फ एक जॉब या खाना बनाने तक सीमित कर देते हैं। पर ये असीमित है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा, क्योंकि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा समझ पाया हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, चाहे तो मैं सिर्फ सिंगल ही इसको आगे ले जा सकता हूँ अपने लिए, पर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब के सब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, और आई थिंक अप्रोच भी यही होनी चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ देना, या मरने के वक्त अगर मुझसे कोई पूछेगा मैंने क्या किया, तो मैं बताऊँगा मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो कि आज तक किसी ने सोची भी नहीं। तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे आते हैं हमारे जो भी रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं, जिनको की प्रॉब्लम्स होती है उनके फेलियर्स के ऊपर, हमारे बिजनेस के फेल हो जाते हैं। अभी जैसे मुझे आज अप्रोच करा एक कंपनी ने, देख डायरेक्टली कॉल में कि भाई हम आपका कंटेंट खरीदना चाहते हैं और उसको हम लोग आगे सेल आउट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं चाहूँ तो अपने कंटेंट को लाखों लाखों रुपये में भी बेच सकता हूँ, पर मेरा वो मकसद है ही नहीं। मेरा मकसद है
कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे शेफ्स हैं, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, वो सारे का सारा वो करें। और वो लोग तभी करेंगे जब वो अपने आप को समझेंगे। हम अपने आप को ही यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, पर एक्चुअल में ये चीज़ें काम करती हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि जो बिज़नेस फेलियर्स होते हैं, या हम लोग अगर आप देखेंगे कोई भी शेफ बहुत ही कम होता है रेस्टोरेंट खोलता है, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम लोग वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है अगर हम अपना सही नॉलेज लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको फिर से सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा और चाहूँगा कि सपोर्ट कीजिएगा डिजिटल शेफ अप को, ताकि हम लोग और भी उसको आगे बढ़ा पाएँ। और साथ साथ अगर कोई भी डेवलपर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, हमारे को इस चीज़ में हेल्प कर सकें, यहाँ मैं हेल्प भी मांगना चाहूँगा। कोई भी अगर इंजीनियरिंग का छात्र देख रहा है कि जो कि इस चीज़ में हेल्प कर सके हमारे इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी शेफ लोग हैं वो अपनी जो भी चीज़ें उनको आती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, वो लोगों तक पहुँचाएँ, चाहे वो पेड माध्यम से हो चाहे वो फ्री हो, पर लेके तो आएँ। और लेके आने के लिए उनके माध्यम एक तो YouTube होता है, YouTube में इतनी चीज़ें आसान नहीं होती है, वहीं मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्लेटफॉर्म में आए, मैं उनके बारे में लोगों को बताऊँ और हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम वो सारी चीज़ें करें। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये कॉपी भी हो सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है, पर इंटेंशंस वाली बात है कि हम उसको किस हद तक करना चाहते हैं। तो मैं अब साइन आउट करूंगा, सबका फिर से थैंक यू बोलूंगा। तो जो भी शेफ़ हैं प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा, ताकि हम इस चीज़ को एक्चुअली में आगे लेके जा पाएँ। और मेरा सपना है कंपनी बनानी है, 100 करोड़ तक की कंपनी ले जानी है। इतना 100 करोड़ आई थिंक देखा जाए तो, अगर हम अभी हम IPO की बात करते हैं, हम लोग इतनी सारी बात करें, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, पर अभी सिर्फ यही सपना है। हो सकता है कि कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाए। और आप सबकी जब तक सपोर्ट नहीं रहेगी, आप सब की जो भी देख रहे हैं इस समय, आप लोगों की सपोर्ट नहीं रहेगी, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। और उन सब बच्चों का थैंक यू जिसने भी बुक्स परचेज़ करी हैं, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिसने कोर्सेज खरीदे हैं मुझसे, क्योंकि यही एक चीज़ें होती हैं जो कि मॉनेटरी वाइज हम लोगों को हेल्प करती है अपनी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। मैं जो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दिल से आप लोग भी वही करें, वो सारी चीज़ें करें, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।